बिहारी बाबू ने की तेजस्वी की तारीफ, मुख्यमंत्री बनाने पर दिया बड़ा बयान, पीएम मोदी पर भी चलाए शब्दों के तीर। बिहार में जो चल रहा है, कुछ लोगों के नजरों में बड़ी क्लैरिटी है, कुछ लोगों के नजरों में बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोगों के नजरों में कहा जाता है, फिल्म की भाषा में कहें तो टर्न्स एंड ट्विस्ट है। क्या जो कल तक थे वो आज कहाँ तक हैं, कितने मजबूत हैं, इस पे बात चल रही है। जो आज जितने मजबूत हैं उनका अगला कदम क्या होगा, इस पे बात चल रही है। जो अगला कदम में जिसके बारे में आप कहते हैं, सोचते हैं और बहुत डिजर्विंग है, उसके बारे में आप बात करते हैं तो आपके अंदर और बाहर कई जगह लोग शायद अपनी महत्वाकांक्षा में कुछ लोग उसके लिए विरोध करते हैं। तो अभी थोड़ी क्लैरिटी की और ज़रूरत है। आपके अंदर कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, जानना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। तेजस्वी आपको लगता है सीएम बन सकते हैं क्या? आप डिजर्विंग कैंडिडेट मानते हैं? क्यों नहीं, बहुत अच्छा लड़का है और योग्य है। और अब तो उसको जो विरासत में मिली है, हमारे मित्र और मासेस के लीडर जो हैं लालू यादव जी, उनसे जो विरासत में मिली है वो तो अलग है, लेकिन अब उसको तजुर्बा इतना हो चुका है और साथ साथ नीतीश जी से भी अच्छी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है उसको, तो अच्छा कर रहा है। यहाँ का अच्छा ज्ञान है, यहाँ के लिए अच्छा, अच्छी सोच है उसकी। और दूसरी बात ये जो मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है, कोई IAS IPS फॉरेन सर्विस की ट्रेनिंग की ज़रूरत तो नहीं है, कॉम्पिटिशन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास संख्या बल हो, आपके पास समर्थन हो भरपूर, तो आप बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, कोई भी बन सकता है। और दूसरी बात, उसके अलावा भी दूसरी बात कि आज देश में आप देख लें, एक से एक मुख्यमंत्री को देख लें, आप प्रधानमंत्री जी को देख लें, मैं नहीं मानता हूँ, बल्कि लोग कहते हैं कि वो चाय बेचते थे पहले, जी बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ ये हमारे मित्र नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी के बारे में जो बातें होती हैं वो एक प्रचार का हिस्सा है, प्रचार तंत्र का हिस्सा है, यानी एक हवा देने के लिए कि साहब देखिए चाय बेचते बेचते, उनको आज तक किसी ने चाय बेचते नहीं देखा है, एक भी सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है। जिस स्टेशन का नाम लेते हैं वो चाय बेचने की, जहाँ जगह बताते हैं वो जगह भी बाद में बनी है, वो स्टेशन भी बाद में बना है, बहरहाल। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर ऐसा है कोई चाय बेचने वाला अगर बनता है प्रधानमंत्री, अगर बनता है तो ये तो बड़ी खुशी की बात होगी। कोई गरीब आदमी बनता है, कोई चाय बेचने वाला बनता है, कोई लस्सी बेचने वाला बनता है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, उसके साथ अगर उस पर तड़का लग जाए, तजुर्बे का भी, एक्सपीरियंस का भी, नॉलेज का भी, तो सोने पर सुहागा होता है। मैं समझता हूँ तेजस्वी के अंदर वो सारी क्षमताएँ हैं, सारी खूबी हैं, और तेजस्वी जो है वो बहुत सारे लोग, बहुत लोग उसको बिहार के भविष्य के रूप में भी देख रहे हैं। और नीतीश बाबू ने तो खुद उसके बारे में घोषणा की, ये बात अलग है जो उन्होंने घोषणा की है। कुछ लोगों ने पता नहीं किन कारणों से कहीं कोई पेंच या कहीं कुछ ट्विस्ट और टर्न